This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम, बिजनेस लंच के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महनूर अली। नाज़रीन, बिजनेस लंच में आपको जो आज जिस टॉपिक पे हम प्रोग्राम लेके आए हैं, मैं इस टॉपिक तो बताऊंगी नहीं, मैं आपसे ये ज़रूर बात करूंगी कि बड़ा ही आम दिन है, ख़ास तौर से जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनके लिए, क्योंकि आज क्रिकेट का मेला जो है, PSL का जो सीज़न 2 है वो सजने वाला है। और आप जानते हैं कि आज रात को इसका स्पेशल पहले तो इफ्तिताही तकरीब होगी 8 बजे, इसके बाद आप देखेंगे पहले मैच में मिसबाउल हक को इस्लामाबाद यूनाइटेड का टकराव और डेरन समी की पेशावर जलमी से है। इस सब पर आज हम बात करेंगे और ओवरऑल जो क्रिकेट है पाकिस्तान की उस पर बात करेंगे। मैं चाहूँगी पहले जो गेस्ट हैं उनका तारुफ आपसे करा दूँ। वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि जिनको आज हमने बुलाया है उनका नाम है चिश्ती मुजाहिद साहब, जो कि अपनी कमेंट्री के मुनफरिद अंदाज की वजह से जाने और माने और पहचाने जाते हैं। और अब जब इनसे मेरी मुलाकात हो रही है तो 50 साल हो गए उन्हें इस कमेंट्री के नाम से, जिसे मैं कह रही हूँ कि वो जाने और माने जाते हैं इस फील्ड में। इनसे जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा और मज़ीद, और ख़ास साथ के पाकिस्तान के क्रिकेट को वो कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि वो तो 50 साल से देखते चले आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चिश्ती मुजाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम, अगर आप इजाज़त दें तो नाज़रीन को सलाम। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। और एक मैं भी अपना डिस्क्लेमर इशू कर दूँ कि कोई बात ऐसी अगर हुई जो तुम्हारे जी को बुरी लगी तो माफ़ कर दीजिएगा, ये आप पे भी एप्लीकेबल है और सब पे है। बिल्कुल, ये मोमिन खान मोमिन का मिसरा है। और आपसे मैं पहले यहीं से थोड़ा सा शुरू करूंगी, मुझे मोमिन खान मोमिन से नहीं, आप अच्छा। आपकी बात से ना कि आपने डिस्क्लेमर दिया मुझे अच्छा लगा, हमने तो ऑलरेडी दे दिया था कि कोई वो अंग्रेजी में था। चले सही है, आपने उर्दू में दे दिया, अच्छी बात है। और उर्दू में डिस्क्लेमर को कहते क्या है? हाँ वैसे मुझे वाकई नहीं पता, चले आप बताए ना। मुझे भी नहीं पता, ये भी पूछ रहा था। अच्छा वैसे मैं इसको ना याद करके आऊंगी। याद जी बताइए, फरमाइए। चिश्ती साहब यहीं से फिर स्टार्ट करते हैं, जिस तरह मैंने वो कहा आपने, फिर कहेंगे डिस्क्लेमर से। इंतबा बोलते हैं इसको, ये हमारी नॉलेज में इजाफा किया हमारे प्रोड्यूसर ने, बहुत शुक्रिया आपका। इंतबा बोलते हैं इसको, कितना मुश्किल है। वैसे इंतबा तो मुझे नहीं समझ आएगा, डिस्क्लेमर फिर भी समझ आ जाता है मुझे ना। नहीं इंतबा आ गया, समझ आ गया। चिश्ती साहब पहले तो आप ये बताइए कि PSL को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट जो है कितने पूरी उम्मीद हैं आप उससे, अभी जो नेक्स्ट आप देख चुके हैं हालिया परफॉर्मेंस जो उसके बाद। पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात करनी शुरू करें तो फिर आपका ये प्रोग्राम पूरा नहीं हो पड़ेगा, इसका वक्त जो है, क्योंकि बहुत लंबी दास्तान है, बहुत तवील इसकी वो है। बात यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त इट्स राइट डाउन, जिसको कहते हैं इट्स डाउन इन द डंप्स अंग्रेजी में कहते हैं। और अब एक जो गुड न्यूज़ ये है कि अब इससे नीचे नहीं जा सकती, ये ऊपर ही आ सकती है। हाँ, तो इतना उसको चौपट कर चुके हैं हमारे साथी सारे मिलके कि अब वो मजीद शायद थोड़ी बहुत नीचे और चली जाए फिर आए, मगर बहुत मौका है किसी के लिए कि आके उसको ठीक कर दे। ये ऊपर से प्रॉब्लम है, ये नहीं कि साहब प्लेयर्स नहीं खेल रहे या कोच ऐसा है। वो कोच मैनेजमेंट, कोच किसने बनाया? आपने तो नहीं बनाया, मैंने वो कोच खुद तो नहीं आ गया। Exactly. उसको रखा गया है कोच, आप देखें फॉरेन कोचेज आपने रखे हुए हैं, मिकी आर्थर जो है हेड कोच हैं, पाकिस्तान अब तक वो आए नहीं है जहाँ तक मेरा ख्याल है। उन्होंने कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट देखा नहीं है, कोई डोमेस्टिक क्रिकेटर, तो करेगा क्या वो शख्स? वो तो जो आप उसको दे देंगे 15 प्लेयर और जिसके उसने नाम वाम कहीं सुने होंगे उनको कर लेगा वो। अच्छा, उन्होंने अपनी पूरी एक रेटिन्यू साथ रखी हुई है, वो भी फॉरनर्स हैं। रिक्सन साहब हैं जो कि फील्डिंग कोच हैं ऑस्ट्रेलियन, ग्रांट फ्लावर जो है वो जिम्बाब्वियन है, बैटिंग कोच है। अजहर महमूद हैं जो अंग्रेज इंग्लिश हैं, अब तो उनको आपने बॉलिंग कोच बनाया हुआ है। एक फिर ट्रेनर है वो भी ऑस्ट्रेलियन है, ये वो। तो ये कैसे कम्युनिकेशन गैप एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये आपको कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों की इतने बड़े करने के, और भी और टीमें करती हैं तो हम भी करेंगे, दैट्स नॉट ऑल। फिर आपका जो सारा सेटअप है वो चौपट,
चेयरमैन साहब को आप देख लें कि उनको ना तो कोई बात याद रहती है जो वो कहते हैं, यू टर्न करते रहते हैं, अब तो आदमी गोल गोल ही घूम रहे हैं वो। मेरा ख्याल है यू टर्न तो एक ही दफ़ा होता है और वो बाकी जो राउंड अबाउट पे चलते रहते हैं कि अभी आज ये कह दिया कल वो कह दिया। एक केस ले लें मैं, हमारा वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स बासित अली जी। बासित अली ने मिसकॉन्डक्ट किए, अच्छा उनको सज़ा मिली, अच्छी खासी सज़ा मिली। वो दो अव्वल तो वो दो ओहदों पे फायज थे, उनको दो ओहदे कैसे मिल गए भाई, ये तो अगेंस्ट एनी रूल्स है। अच्छा दो ओहदे मिल गए उनको, फिर आपने बर्खास्त कर दिया उसको, क्या कहते हैं सस्पेंड कर दिया, ये हफ्ते भर बाद फिर वापस ले लिया। तो ये डिसिप्लिन कहाँ गया, वो जीरो टॉलरेंस की जो हम बात, व्हाट इज जीरो टॉलरेंस, आई वुड लाइक टू आस्क द चेयरमैन, नजर कहीं नहीं, आप बताएं कि जीरो टॉलरेंस क्या है जब आप हर शख्स जो है जो चाहे कर देता है और उसको वापस। जब बास क्रिकेटर्स हैं जिनको आपने फॉर रीजन अननोन, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल रहे हैं, सब कुछ खेल रहे हैं। एक जो है मोहम्मद आमिर, उनको आपने जो जेल याफ्ता हैं सब कुछ हैं, 5 साल का बैन किया, उनके ऊपर आपकी नजर करम ऐसी हुई कि उन्होंने कहा साहब अब ये एक हमारे पास मैच विनर है, हम इसको ले आएंगे। उसको आपने लगातार 4 टेस्ट इंग्लैंड में, 3 UAE में, कितने हो गए 4 और 3 7, 2 इसमें न्यूजीलैंड में, 9 और 3 ऑस्ट्रेलिया में, आपने 12 टेस्ट मैचेस खिला दिए उसको, 21 या 22 उसको वनडे खिला दिए। ही इज़ नॉट ए मैच विनर एनी मोर ये वाले। और ये भी आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वो है कोताही है, समझ लें आप, या उनकी मिस्टेक्स की वजह से कि आप 5 साल में जो मोहम्मद आमिर सीन पे नहीं थे तो उनको उनकी जगह एक पेस बॉलर नहीं डेवलप कर सके। तो ही हैज़ टू बी ब्रॉट इन फ्रॉम ओब्लिवियन इन अ वे। ये तो चीज़ें चल रही हैं आपकी। और बाकी जो हैं आप उनको कि साहब नहीं सलमान बट को नहीं खिलाएंगे और वो सेंचुरी पे सेंचुरी मार रहा है इसमें डोमेस्टिक क्रिकेट में, और मोहम्मद आसिफ को नहीं खिलाएंगे ना खिलाएं, तो ये सब क्या नज़र नहीं आता चिश्ती साहब इन्हें? मुझे वो तो उनसे पूछो ना, बुला के मुझसे क्या पूछ रही है। आपने कहा ना कि आपने जिसने अभी बताया तो इससे अंदाजा यही हुआ ना कि मैनेजमेंट का सारा उनको सब नजर आ रहा है, मगर कर रहे हैं कि क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना कोई, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी कि क्या चीज की क्या नहीं की। इंडिया में देखें लोधा कमीशन बैठ गया, सुप्रीम कोर्ट के ने उन्होंने लोधा कमीशन BCCI ने बिठाया कि भाई ये देखो क्या चल रहा है। उन्होंने ये किया कि चेयरमैन की छुट्टी कर दी, सेक्रेटरी की छुट्टी कर दी, उसको BCCI को सबको हटा दिया और अपनी तरफ से उन्होंने लगा दिया आदमी, और सुप्रीम कोर्ट से उसका अप्रूवल ले लिया। अब करो जो करना चाह रहे हो, अब वो नहीं है, कहाँ हैं वो ठाकुर साहब और कहाँ हैं शिरके और जो भी थे सारे, दे आर ऑल नॉट देयर। सो इंडिया हैज डन इट, BCCI हैज डन इट। वो क्या करेंगे, क्या होगा उनका, हाय हाय क्या होगा। इंडिया ने ये किया कि पिछले 21 टेस्ट मैच में या 20 टेस्ट मैचेस में वो एक हारे हैं सिर्फ, दे वन द रेस्ट। और आपका हशर ये है कि आप पिछले 12 में मेरा ख्याल है 2 जीते हैं। तो वही है कि इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद आपके ख्याल में ये PSL क्रिकेट से क्या बेहतरी आएगी कोई? PSL तो कुछ, PSL तो तमाशा है ना, उसको आप इस क्रिकेट से मिलाए ना फिलहाल। ओके ओके, हाँ, क्योंकि इसमें वो PSL तो अलग कंपनी अलग होने जा रही है, वो तो अलग एक वो है उसको सब्जेक्ट। आपको PSL की जल्दी है तो मैं पहले मुझे बिल्कुल जल्दी मैं निमटा नहीं दूं PSL? जल्दी नहीं, बिल्कुल जल्दी PSL नहीं। में 2 सेंटेंसेस में निमटा सकता हूं अगर आप नहीं मुझे नहीं इसको अभी निमटवाना। मगर मैं ये है ना कि जो क्रिकेट ये है, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। एग्जैक्टली, अभी आपका कायदे आजम ट्रॉफी हो चुका है, आपका डिपार्टमेंटल वनडे टूर्नामेंट हो चुका है और आपका रीजनल वनडे टूर्नामेंट, उसमें मेरे ख्याल 10-12 स्पेक्टेटर्स आते थे। नेशनल स्टेडियम पे भी आपने खेला, पिंडी पे भी खेला, गद्दाफी पे खेलने वाले हो रहे थे, वो वहाँ का मौसम ऐसा था। आप कैलेंडर देखते नहीं हैं, वेदर रिपोर्ट लेते नहीं हैं, सब कुछ करते हुए, और इतने जो आर्मीज बैठी हैं
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पहले तो वो दो मंजिल पे आ जाते थे उसमें हेड इनके हेड ऑफिस पे, फिर तीसरी मंजिल आई, अब वो सुना है चौथी मंजिल भी आ गई है। तो इतने तो लोग भर रहे हैं आप मैनेजर्स, आपका जो इनटेक का वो है सिस्टम है, आपके जो रूल्स और रेगुलेशन उसको आप फॉलो नहीं करते। आप एक चीज़ का इश्तिहार देते हैं, कोच का आपने इश्तिहार दिया, उसके वो आए एप्लीकेशंस आए, अर्जियाँ आईं लोगों की, आपने बगैर किसी का इंटरव्यू किए, बगैर किसी को देखे, कोई कमेटी बनाए, भाई किस के कह दिया ज़रा किसी से कि सिफारिश कर दो मिकी आर्थर से कह दो वो आ जाए, ताकि वो गोरा है, अंग्रेज़ है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड तक नहीं देखा आपने। वो ऑस्ट्रेलिया से भी निकाला गया था और साउथ अफ्रीका से भी निकाला गया उससे पहले, ही हैज़ नो रियल क्रेडेंशियल्स टू बी, क्योंकि गोरे बहादुर हैं, साहब बहादुर हैं, तो आ जाएं, वो आ गए, उन्होंने वो अपने दो तीन साथ और ले आए और आपने भी कर लिया, मगर यू डिड नॉट फॉलो द सिस्टम, यू डिड नॉट फॉलो, देर आर अदर कोचेस, पाकिस्तानी कोचेस नहीं मिल रहे आपको, आपके पास पाकिस्तान, आप दो वर्ल्ड कप जीते हैं अब तक कहते हैं, एक तो आप भी जीते थे 1992 में, याद है जी, आप वो तो बिल्कुल अच्छी तरह याद है, थी भी नहीं जब इमरान खान, हाँ जी हाँ बिल्कुल, तो इमरान खान ने 1992 में दिए थे, उस वक्त कोच कौन था, इंतखाब आलम। आप 2009 में एक और खान के अंडर, यूनुस खान के अंडर आईसीसी वर्ल्ड 2020 जीते, उस वक्त कोच कौन था, इंतखाब आलम। आप साहब वॉटमोर को भी ले आए, पाइबस को भी ले आए, वुलमर थे, वुलमर जो थे वो थोड़े से भी, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, और अभी आपने ये कहा ना कि मैं बात हमेशा सही करता हूँ, लोग समझे या सुने वो और चीज़ है। नहीं, इस वक्त जो मैं ये बात करने लगी हूँ आपसे कि आपने इस तरह कहा, और ये 100 बात की एक बात ही लग रही है कि आपका कोच सबसे पहले आपके अपनों में से होना चाहिए, अपने एटलीस्ट आपने कहा कि अगर चलें बाहर का भी तो पाकिस्तान का विजिट तो करें, आके देखें तो सही कि यहाँ पे किस तरह क्रिकेट खेली जाती है, क्या यहाँ पर हो रहा है। तो मैं आपने जो पाकिस्तान का कोच रखा था वक़ार यूनुस, जो अपनी सेकंड इनिंग्स खेले थे, तो वो भी बाहर के थे क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन हो गए, वो भी नहीं आते थे। तो आप, मुझे ये पता नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनाते हैं, क्या करते हैं, इंडिया को देख लें आप, इंडिया के कोचेस उनके अपने होते हैं, सब होते हैं। अच्छा, और हमारा ये होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच पे आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और ये मैं अपने खिलाड़ियों से कहूँगा, पुराने खिलाड़ी हमारे ज़माने के या उसके बाद के, कि आप जूनियर्स की कोचिंग पे भी तवज्जो दें, अंडर 19, अंडर 23, उन पे दें आप। और इससे पहले कि मैं भूलूं, क्योंकि आप तो प्रोग्राम बहुत तेज चलाती हैं। नहीं, मैं नहीं चला रही, मैं तो बिल्कुल आपको सुन रही हूँ, मैं समझती हूँ इस वक्त जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं वो भी आपको सुनना चाहते हैं, और हमेशा से आपकी आवाज़ इस लिहाज से बहुत भली लगती है। वेरी काइंड ऑफ देम, वेरी स्वीट ऑफ देम। बात यह है कि सबसे पहले तो मैं अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो है, मैं अभी आपसे जिक्र करने, मैंने कहा आप कहेंगे तुम मुझे क्रिकेट पे अभी बात है, ब्लाइंड क्रिकेट मैं अभी मुसलसल, मैं सबसे अच्छा क्रिकेट दे है वन एवरी, मैं तो कहती हूं पाकिस्तान क्रिकेट, ये मैं कहने वाला हो रहा था, कहा नहीं मैंने, आपके अब अल्फाज भी खींचने लगी हूं, बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ बैठ रही हूं इसलिए। तो दे हैव वन ऑल देयर मैचेस, बेस्ट ऑफ लक टू देम, सेमीफाइनल्स में वो हैं। शाहिद आफरीदी ने 37 गेंदों में वनडे में केनिया नैरोबी में, जब इसने शुरू में आया था ये, तो इसने 37 गेंदों में सेंचुरी बनाई थी। जमील ने कल या परसों 36 गेंदों में बना दी वाइल प्लेइंग अ ब्लाइंड क्रिकेट, एंड दे हैव प्लेड बिग टीम्स, दे प्लेड ऑस्ट्रेलिया, दे प्लेड इंडिया, दे प्लेड अदर्स, और तो इसके माने ये हैं, एंड बेस्ट ऑफ लक टू देम, एंड आई होप प्रे एंड विश दैट दे गेट the World Cup, which I am sure they will, because they're playing so well. आज भी उन्होंने 321 रन का हदफ दिया है ऑस्ट्रेलिया को, अपना इनका 9th मैच है ये, और 8 जीत चुके हैं मुसलसल 8, और मेरा ख्याल है ये 9th भी होगा, क्लीन स्वीप हो जाएगी, सो बेस्ट ऑफ लक टू देम। हमारी जो ख्वातीन की टीम है वो भी वर्ल्ड कप खेल रही हैं इस वक्त श्रीलंका में, वो उनका हालत वही ख़राब है जैसी हमारी मर्दों की टीम की ख़राब है। तो ख्वातीन ने एक ये किया है कि कल एक मैच जीता है उन्होंने, और उसमें जो उनकी कप्तान है सना मीर,
उन्होंने एक माइलस्टोन अचीव किया है कि उन्होंने 1000 रन्स तो बना चुकी थी वो, 1100 रन्स बनाए थे, कल 100 विकेट ले लिए उन्होंने. शी बिकम्स द 15th वुमन इन इंटरनेशनल क्रिकेट टू टेक 15 विकेट्स, आप टू टेक 100 विकेट्स. And she's played 92 matches. आपको ब्रेक लेना है? जी बिल्कुल ब्रेक लेना, लेकिन मुझे ये भी आपकी बेचैनी में देख रहा था. मेरी बेचैनी नहीं, आप समझ गए थे मैं यूं कर रही थी तो मैं उस तरफ देखा. शिशिर साहब मुझे आपसे अभी ब्रेक पे जाते हुए एक बात तो मैं करूंगी, ताकि वापस आएंगे तो उसको थोड़ा कंप्लीट करेंगे. वो ये कि मैं भी मुझे मैं इतनी क्रिकेट लवर नहीं हूँ, लेकिन मैं जब ये खबर देख रही थी ब्लाइंड क्रिकेट के कि भाई इतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस जा रही है, तो मैंने ये सोचा था मैं कहूँगी कल चशी साहब से कि आप ये आपके जहन में भी आता है जिस तरह मेरे आया कि क्यों ना फिर ये पाकिस्तान क्रिकेट उन्हीं के हवाले कर दी जाए. से बात करते हैं और यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहूँगी जो इस वक्त PSL का ऑफिशियल सॉन्ग है वो आप लोग देखिए. शहजादे दुनिया को दिखाने आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने. पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर शू चारों तरफ होगी अपनी बात. फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा. फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा. जी ब्रेक से आ गए वापस और बात हो रही चिश्ती मुजाहिद से पाकिस्तान क्रिकेट पे, और पाकिस्तान क्रिकेट पे अभी हम मज़ीद बात कर रहे हैं और PSL पे भी बात करेंगे, अभी तसल्ली रखें. तो मुजाहिद साहब मैं अभी शुरू में आपसे क्या कह के गई थी ब्रेक से पहले, शायद यही कि ब्लाइंड क्रिकेट इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है तो या तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है टीम उसको ब्लाइंड क्रिकेट से थोड़ी ट्रेनिंग वगैरह ले लेनी चाहिए. ये है कि ब्लाइंड क्रिकेट जो है आई एम श्योर दे पुट इन अ लॉट ऑफ स्पिरिट. ये जो कोचिंग वगैरह जो है ना, ये सब आप कोच कैसे करेंगे उन लोगों को जो कि 50-50 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, 5,000 रन्स बना चुके हैं, यूनुस खान जैसा जो है 10,000 रन्स बना, उसको कोचिंग करेंगे आप? ये तो करेंगे कोच नहीं, कुछ होनी चाहिए काउंसलिंग वगैरह इनका जो कि लुक आफ्टर करे इनके फैमिली मैटर्स होते हैं, कभी ये होता है और आजकल टूरिंग इतनी हो गई है तो उसको डिफरेंटली आप वो अप्रोच. और जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि इट शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट, आपके जो भी चीज़ हो ट्रांसपेरेंट हो. अकाउंटेबिलिटी है नहीं आपके यहाँ, को किस चीज पे खर्च हो रहा है, कितना हो रहा है. अच्छा लोग कह रहे हैं उसको इतनी तनख्वाह मिल रही है, उसको इतनी मिलने दो. मैं तो कहता हूँ जितनी तनख्वाह चाहे मिले, जिसको चाहे तो मिले. नहीं वो चोरी तो नहीं कर रहा ना, वो तमंचा दिखा के तो इनसे तनख्वाह नहीं मांग रहा ना, ये तो उसको दे रहे हैं तनख्वाह. एंड इट हैपेंस थ्रू आउट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. अब यहाँ बैंक्स हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, आपका आपकी कंपनी है टेलीविजन की, अब हमें क्या मालूम कितने आप लोगों को लाखों रुपए मिलते हैं. बट दैट इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट, दैट्स नॉट द पॉइंट. मगर उनको यूटिलाइज ठीक करें, उनको आप फिट करें. ये नहीं कि रिश्तेदारों को और अकारिब को और कजिन्स को और आप आस पास के लोगों को उनको भर लें जो काम है उनके लिए है नहीं. आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शंस नहीं हैं, आपके पास की टास्क्स नहीं हैं, आपके पास अप्रेजल सिस्टम नहीं है. चले आ रहे हैं लोग, आप डोमेस्टिक क्रिकेट उठा के देख लें, बस मैं 2-3 मिनट और लूँगा आपके. डोमेस्टिक क्रिकेट उठा के ले, वो आपकी रीढ़ की हड्डी है, वहीं से आ रहे हैं आपके इंटरनेशनल क्रिकेटर्स. आपके जो ये क्रिकेटर्स आए हैं, शर्जील खान है अब आप आजकल,
और आपके पास बाबर आजम है, नए हैं ना यंगस्टर्स, आपके पास हसन अली है, मोहम्मद असगर है, ये क्या मेलबर्न में पैदा हुए थे या वहाँ या यॉर्कशायर में पैदा हुए थे या उसमें अलबामा में पैदा हुए थे? ये सब यहाँ के हैं, लाहौर के, कराची के और स्वाबी के और पेशावर के। ये तो हमारा वो हैं, दीज आर, ये हमारा सरमाया है। उनको, उनकी जो क्रिकेट रन कर रहा है वो मेरा ख्याल है 10-11 साल से सारा कुछ चेंज नहीं हुआ, वही लोग हैं। और यकीनन वही लोग हैं जो कर रहे हैं इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट को जो है, दीगर जो इस तरह के अभी जितना हम आगे पीएसएल का जिक्र करेंगे उन पे इतनी तवज्जो दी जा रही है, डोमेस्टिक क्रिकेट पे इतनी तवज्जो दी जा रही है? नहीं, डोमेस्टिक पे नहीं दी जा रही ना। आपके स्टेडियम्स जो हैं वो वीरान हुए हुए हैं, यही बात मैंने, खंडरात हुए हुए हैं आपके स्टेडियम, देखें जाके आप दुबई चले जाते हैं और अच्छा है दुबई चले। अब HBL PSL जो है दिस इज अ गुड थिंग, अच्छा थोड़ा 4 हफ्ते तमाशा रहेगा, कुछ हल्ला गुल्ला जिसको कहते हैं रहेगा, क्रिकेट नहीं है ये, अरे रियल क्रिकेट जो होता है, मगर है अच्छा है, थोड़ा सा एक आध छक्के चौके और वो बारिश हो जाती है तो 10-10 तक हो जाता है, मगर ये दिस इज फन एंड गेम्स, इट इज अ फैमिली अफेयर इन अ वे, मतलब मजा आता है, लाइट्स जल रही हैं और रात को और हो रहा है। जो सब कुछ अभी हम देख रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर भी, तो हाँ देख रही हैं आप स्क्रीन्स पे, क्या वो तो पुराने होंगे। HBL PSL जो है इसमें सेकेंड एडिशन है इनका एंड विच इज वेरी गुड, कि एक हो गया, लोग कह रहे थे कि नहीं होगा, बट इट वॉज डन। अच्छा अब क्या हुआ है वो, इट वॉज अ सक्सेस क्योंकि अच्छा हुआ, सब कुछ खैर आफियत से गुजरे, मगर उसके अकाउंट्स मैंने सुना है अब तक नहीं आए हैं हमारे पास। तो क्या सक्सेस था? वो कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस था, आई एम श्योर इट वाज अ फाइनेंशियल सक्सेस, एंड इफ HBL कैन स्पॉन्सर इट, इफ देर आर अदर मल्टी स्पॉन्सर्स और फ्रेंचाइजेज हैं तो कुछ तो होगा ना इसमें, दे अंडरस्टैंड दिस। और अब सेकेंड जो है वो उससे भी इंशाल्लाह अच्छा वो निकलेगा, मगर बात ये है कि दुबई में ही हो रही है हर चीज़। बिल्कुल, ये पाकिस्तान के जो शायकीन हैं उनके तो अभी तक शिकायत ही है कि क्यों पाकिस्तान में, मगर इसमें और फाइनल का जो जिक्र कर रहे हैं कि वही होगा। हाँ, इस दफा नजम सेठी ने ये कह दिया कि साहब फाइनल जो है वो होगा लाहौर में। अच्छा, हर चीज मसला हल हो जाएगा फाइनल करा देने से लोगों के, जो देखते हैं कुछ नहीं क्या कराएंगे कैसे कराएंगे। यूसी उसमें ये है कि बस फॉरेन प्लेयर्स नहीं आएंगे तो फिर उनको, उनके उनके अगेंस्ट तो एक्शन लेना चाहिए। अच्छा यानी क्रीम तो खा जाओगे तुम मजे मजे की वहाँ दुबई में बैठ के, 7-star होटल्स में और अबू धाबी में बैठ के, और जहाँ जब आके शायद कुछ वो हो आपको जहमत उठानी पड़े, ऑल दो उनको हेड ऑफ स्टेट सिक्योरिटी मिलेगी, तो उसके हेड ऑफ सिक्योरिटी स्टेट मिले तो उसमें तो आना चाहिए सबको। बाज आएंगे, वेस्ट इंडियंस आएंगे, श्रीलंकन आएंगे, मगर वो जो हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया का कोई प्लेयर है या इंग्लैंड का कोई प्लेयर है या न्यूजीलैंड का है, वो शायद गड़बड़ करे, और वेस्ट इंडीज भी उनके साथ ही जुड़ जाते हैं, मगर बाज आएंगे श्रीलंका। फाइनल का क्या इंडिया का है? नहीं, अब उसमें यही है कि एक चीज तो आप प्रूफ कर देंगी ना कि यहाँ हो सकता है। अच्छा, इनको ये चाहिए था कि ये जाइल्स क्लार्क भी आए थे अभी, वो जो कमेटी के हेड हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल। अच्छा, हर शख्स लाहौर का जिक्र कर रहा है, तो लोग ये कह रहे हैं, शायकीन शायकीन है क्रिकेट ये कह रहे हैं कि क्या क्रिकेट सारा लाहौर में ही है, क्या उन्हीं के लिए है? व्हाट अबाउट कराची, व्हाट अबाउट रावलपिंडी, व्हाट अबाउट पेशावर? अरे आपने गड़ी शाहू है लड़काना के पास, वहाँ स्टेडियम बनाया है, वहाँ करो डोमेस्टिक क्रिकेट, वहाँ खेलो। एक्चुअली डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसको इनका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है या ये है कि स्पॉन्सर्स ये लाएं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये उससे वो कर दें अटैच, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी दें, उससे अटैच कर दें कि जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इंटरनेशनल क्रिकेट के लेगा वही ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो है वो डोमेस्टिक के भी लेगा।
अच्छा, और जो ये जो HBL, PSL जैसे बिग इवेंट्स हैं, ये टेस्ट मैचेस हैं हमारे जो UAE में हम खेलते हैं, वहाँ जो स्पॉन्सर्स हैं जो उसको स्पॉन्सर करते हैं उनको यहाँ डोमेस्टिक भी स्पॉन्सर करनी पड़ेगी, तो इसमें पैसा आएगा, डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा आएगा उनके ऑर्गेनाइज। अच्छा, जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन और रीजन का मामला है, इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता, लंबी डिबेट है, मगर दिस इज व्हाट इट शुड बी। अब आपका ये जो HBL PSL है, दिस इज नॉट एन इंटरनेशनल इवेंट, दिस इज योर डोमेस्टिक क्रिकेट। एग्जैक्टली, ये आपकी डोमेस्टिक है, ये ICC से भी कवर्ड नहीं है, ये तो दिस इज योर डोमेस्टिक। अब आप वहाँ खेल रहे हैं, तो क्या नेक्स्ट स्टेप को कहेंगे कि हमारे जो लोग हैं, लड़के हैं, वो कहेंगे भाई हम तो दुबई में ठीक खेल रहे थे, तो यहाँ का डोमेस्टिक भी वहाँ कर दो। बट आई एम श्योर विद द रीवैम्पिंग, इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कम्प्लीटली रीवैम्प होना चाहिए। चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेलनी है, ये वाली तो ऐसी थी इनकी, पहले ये खेल चुके हैं, थरा जेंटलमैन, हाईली एजुकेटेड, वेरी गुड पेडिग्री एंड एवरीथिंग। मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि मैं कभी कभी कुछ खिलाफ बात लिख देता था, ये कर देता था मैं, बट आई मीन आई हैव द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन फॉर हिम एज एवर। अब इनको चाहिए कि कह दें मैं रिटायर होना चाह रहा हूँ, बाइज़्ज़त रिटायरमेंट ले लें, और फिर जो भी उसका तरीका हो, इलेक्शन का या हो, वो एक हेड होना। इस वक्त वो हो रहा है आधा तीतर आधा बटेर, कि बाज़ लोग जो हैं वो शहरियार खान साहब की तरफ देख रहे हैं, बाज़ लोग नजम सेठी की तरफ देख रहे हैं, ये पता नहीं कि किसको फॉलो करें क्या करें। दैट इज ऑल द कंफ्यूजन। एक बात और करूंगी आपसे डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, कि कायदे आज़म ट्रॉफी का मैं जिक्र करूं अगर, तो हुआ था फाइनल, बिल्कुल, तो उसको इस तरह PSL की तरह क्यों नहीं इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती, जबकि हमारा डोमेस्टिक देते नहीं ना आप। भाई आप जो HBL PSL करते हैं उसमें इंपॉर्टेंस क्यों होती है? पैसा है ना, उसमें भी डाल दो पैसा। इसमें ये जो गाने बजाने नाचना वो है, तो इसमें भी उसमें, तो उसको भी? उसमें भी कर दें, तो आप करेंगे ना, जबकि वो जो वो वहाँ जो गाना बजाना कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, उनसे कहो कि भाई यहाँ वो जो कौन साहब आ रहे हैं, शैगी या वो जो है आ रहे हैं, सारे उनको यहाँ बुला लो, वो यहाँ गा देगा आपको, यहाँ नाच लेगा। सही जी साहब, एक चीज़ और है, शायकीन ही ये सवाल अक्सर करते हैं और कहते हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट है इसमें सबसे ज़्यादा इख्तलाफात और तनाज़ात हैं, इसकी क्या रीज़न आपके नज़र में है, क्या मुल्क में क्यों है, मुल्क में क्यों? वो यहाँ नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हर जगह है, हर जगह हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, हमें ज़्यादा ही नज़र आते हैं, और ये इसमें कुछ नहीं है, इस यहाँ हिंदुस्तान में भी हैं, इंग्लिस्तान में भी, ऑस्ट्रेलिया में बहुत हैं, ऑस्ट्रेलिया में कैंप्स बने हुए हैं टीम्स में, तो दैट्स नेचुरल, यहाँ क्लास में भी होते हैं और क्लब में भी होते हैं, और वैसे भी आपके यहाँ भी होंगे, यहाँ वैसे इतने इख्तलाफात नहीं है, वैसे ना तनाज़ात हैं, सब पता नहीं होंगे, ये बिल्कुल मैं आपको सही बता रही हूँ। PSL से कहते हैं कि क्या कहते क्या है, मैं चले आपसे यही पूछूंगी कि इंटरनेशनल जो क्रिकेट का लेवल है उसके खिलाड़ी पैदा कर सकेंगे? दैट्स अ डबल एज्ड क्वेश्चन, यानी आपने किए हैं पिछले PSL से क्या हुआ था, जो पहला हुआ था HBL PSL उससे कितने आपको पाकिस्तान के खिलाड़ी मिले? मेरा ख्याल है दो मिले हैं या तीन मिले, असगर नवाज और बाबर, ये तीन मिले हैं। मेरा ख्याल है हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि आप जो फॉरेन प्लेयर्स खिला रहे हैं, लेकिन फॉरेन प्लेयर्स तो खेलने का मौका ही नहीं दिया देखा जाए तो उनमें से, और PSL के बाद तो फिर कोई मैच नहीं खेला, नहीं गया, ऑस्ट्रेलिया गया था, खेला नहीं, मगर ऑस्ट्रेलिया जाके वो बैठा ही रहा, 11 ही खेलते हैं ना, अब 15 तो नहीं खेला, नहीं दिया गया ना उस तरीके से, जिस तरीके उसके पास जगह नहीं थी ना, कितने लेफ्ट आर्म स्पिनर्स खिलाओगे तुम? इमाद वसीम को खिलाएंगे आप, असगर को खिलाएंगे, नवाज को खिलाएंगे, और ज़ुल्फ़िकार बाबर अगर वो इनको खिलाएंगे तो इतने तो नहीं, एक बैलेंस तो जो फ्लॉप हो रहा था तो नवाज को खिला देते, उसे आजमा लेते। कौन फ्लॉप हो रहा था? अगर नवाज कोई फ्लॉप नहीं हो रहा था, सब ठीक खेल रहे थे, और वो विकेटें नहीं ले रहा था इसलिए शायद, हाँ तो असगर क्या ले लेते विकेट, मगर असगर हैज़ अ पोटेंशियल, वो तो खेलेंगे। और बात ये है कि हमें चाहिए
ये भी देखो, अगर फॉरेन प्लेयर्स नहीं आएंगे तो आपकी अट्रैक्शन नहीं होगी. अच्छा, फॉरेन प्लेयर्स आप जो बुला रहे हैं उनमें से आधे से ज़्यादा तो चले हुए कारतूस हैं, जिनको कहते हैं रिटायर्ड हैं. ब्रैड हेडन का मैं नाम सुन रहा था, वो रिटायर्ड है. पहले शॉन टेट का था ऑस्ट्रेलिया का, वो भी रिटायर्ड है. न्यूजीलैंड के भी एक आध जो आ रहे हैं वो भी आधे रिटायर्ड हैं, आधे नहीं हैं. अच्छा, जिम्बाब्वे का कोई खिलाड़ी मुझे नज़र आया नहीं इनमें. वेस्ट इंडीज़ के जो हैं, वेस्ट इंडीज़ की तो क्रिकेट उनका तो आवा का आवा वैसे ही निराला है. वो सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं वहाँ. वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड उनसे लड़ती रहती है, वो उनसे लड़ते रहते हैं. उनके अब देखिए ना, ऑन्ड्रे रसल जिसको खिला रहे थे वो बैन हो गए डोपिंग टेस्ट में. अच्छा, डोपिंग टेस्ट में उसका डोपिंग टेस्ट हुआ नहीं, मालूम है क्यों बैन हुआ वो? कि वो ये करते हैं कि तीन कॉल देते हैं आपको कि अच्छा महानूर अली साहिबा, आपका डोपिंग टेस्ट होगा. तो आप कहेंगे अच्छा, मैं 12 बजे से और 1 बजे तक या 1 बजे से 1:30 बजे तक यहाँ होंगी बिजनेस प्लस में. वो यहाँ आपको कॉल करेंगे. अगर आप हुई तो ठीक है, और अगर नहीं हुई तो वो कहेंगे अच्छा ठीक. तो एक वो क्रॉस हो जाएगा अगर नहीं है आप यहाँ. आपने फिर कहा कि मैं फलानी जगह होंगी, फिर वो कॉल करेंगे, फिर वो अगर नहीं की तो ऑन्ड्रे रसेल 3 दफ़ा जो थे मिसिंग थे तो उन्होंने कहा कि आउट. 3 स्ट्राइक्स एंड यू आर आउट बेसबॉल में जैसे होता है. मुजाहिद साहब, पीएसएल की जब हम पीएसएल को अभी थोड़ा साइड पे रखें, आपने शुरू में साइड पे रख दें, हाँ इसलिए रखें कि आपने शुरू में कहा था कोचेज जो हैं हम सारे बाहर से बैरून मुल्क से हमारे कोचेज हैं, और क्या हमें कोई फ़ायदा मिल सका है? नहीं नज़र आया, डाउन से डाउन होती चली गई. क्या आपने कहा कि अब इतनी डाउन हो गई कि बस अब ऊपर आने के चांसेस हैं? तो कोई है जो ऊपर ला सकेगा? भाई 7-8-6 है ना आपका. आप क्रिकेट में नंबर, टेस्ट में नंबर 7 हैं, वन डेयर्स में नंबर 8 हैं, और 2020 में नंबर 6 हैं. 7-8-6 इस वक्त हम 2020 में क्या इस वक्त पाकिस्तान क्या नंबर 6 है? 20 ओवर के खेल को ही क्रिकेट समझे आप? नहीं, जो सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस क्रिकेट एज वेल, वन डे इंटरनेशनल भी क्रिकेट है. उसमें तो वर्ल्ड कप में आपका क्वालिफाइंग का वो हो रहा है. अगर आप 9 पे आ गए तो फिर यू विल हैव टू प्ले क्वालिफायर्स फॉर दैट, व्हिच यू हैव नेवर डन सिंस 1975. तो आप अगर ये कह रही हैं कि इसका नुस्खा बताओ क्या है, तो नुस्खा तो वो बहुत लंबा है. पूरा आपको रिवैम्प करना पड़ेगा, पूरा रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा. ये छुट्टी करें इनकी, जो कोचेज वोचेज हैं सब कुछ नए लाएं आप, और होम ग्रोन हो, आप ये होम ग्रोन होना चाहिए. आप अगर मुझसे कहेंगी कि ये बता दो कि नाम किसी का ले दो, वो मैं लूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ वो कम है. आप बहुत नाम है, लेकिन उनका बात ये है कि लेना तो चाहे ना पहले हूँ. आप वो लेना चाहते हैं, आप एडवर्टाइज करें, उसकी क्वालिफिकेशंस दें, उसका एक्सपीरियंस जो भी दें, एक कमिटी बनाएं, वो इनको इंटरव्यू करे, शॉर्टलिस्ट करे और फाइनलाइज करे बाकायदा. और एवरीथिंग परवरी जो है उसे छोड़ दें, एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट. हाँ, अब मालूम नहीं मिकी आर्थर किसी का रिश्तेदार तो नहीं है, मगर क्योंकि शायद सुना है मैंने कि चेयरमैन साहब को ये था कि फॉरेन कोच आना चाहिए, क्योंकि पहले ये 3-4 अनाउंस भी कर चुके थे उनसे बगैर पूछे. एक स्टुअर्ट लॉ था, एक दो और थे, उनको कर चुके थे ये. अभी इस वक्त पीएसएल जो ये होने जा रहा है, इसमें आपकी कोई फेवरेट टीम है? नहीं, कोई भी नहीं. मेरी फेवरेट टीम कभी होती नहीं है. कॉमेंटेटिंग में ये सिखाया है कि फेवरेट टीम आपकी नहीं होनी चाहिए. अगर पाकिस्तान और इंग्लैंड भी खेलता है तो मेरा दिल ये चाहता है कि पाकिस्तान जीते. अच्छा, और बाकी जो दिमाग है वो ये चाहता है कि जो बेहतर खेले वो जीते. नेशनल कोच का जिक्र करें जो, तो क्या हमारा नेशनल कोच जो है फ्रेंचाइज की जो है इस वक्त कोई वो कर सकता है कि नुमाइंदगी है क्या, जिस तरह मिकी आर्थर जो है वो कर रहे हैं? किसकी? वो तो नेशनल कोच जो है तो मिकी आर्थर तो कर रहा है ना. हाँ, कर ले तो ये सही, ये चीज़ सही है. सही तो हर चीज़ है यहाँ. जो क्या है वो, जिसको पिया चाहे वो ही सुहागन वो कुछ ऐसा है. तो यहाँ अगर बात ये है, बात ये है कि मिकी आर्थर, वकार यूनुस जो थे लास्ट पीएसएल जो हुआ था उसमें पाकिस्तान के कोच थे, बट ही वॉज नॉट इवन सीन इन दी एच बी एल पी एस एल ऑन दैट. अच्छा, यहाँ आपका ये, मैं ये कहता हूँ
कि ड्यूअल आपकी वो होनी नहीं चाहिए, दो जॉब्स नहीं होनी चाहिए। आपका इसमें मुदस्सर नज़र एनसीए का भी डायरेक्टर है, हाँ उस उनका जैसे तकरर हुआ, मुदस्सर नज़र इज सच ए डियर फ्रेंड ऑफ माइन, मगर उनका तकररी जो हुई उसको अगर आप निकाल के देख लें उसमें भी क्वेश्चन मार्क था, मगर वो एक लाहौर की टीम है उसके भी डायरेक्टर हो गए थे। अच्छा और भी हैं इसमें अगर आप देखेंगे, मगर मिकी आर्थर खुद है कराची का कोच है या किसी और कराची किंग्स का, कराची का है कोच वो। और ये वाली बात मुझे तो समझ में नहीं आती, दे शुड हैव कट एंड ड्राई रूल्स एंड एनफोर्स देम फुली। शाइकिन के लिए आपका मैसेज जल्दी से चाहिए मुझे, कोई अच्छा फ्रेंचाइज बढ़नी चाहिए पीएसएल जो है उसमें बढ़नी चाहिए। सबसे पहले फ्रेंचाइज जितनी चाहे कर लें, ये अब पाँच हैं आठ कर लें मेरी तरफ से, जितनी चाहे कर लेट्स नाइदर हियर नॉर देयर, मेरा ख्याल है छः तो कम से कम होनी चाहिए। एक पर्टिकुलरली वो जो फाटा वगैरह का एरिया है ना आज़ाद कश्मीर, उसकी होनी चाहिए। फाटा में बहुत वो है पोटेंशियल, दैट्स अ वेरी वेरी फाइन एरिया टू एंड दे गॉट सम वेरी गुड क्रिकेटर्स। एंड एक मेरा ख्याल है ऑल्दो क्वेटा की टीम है आपके पास, मगर वहाँ की रिप्रेजेंटेशन वो नहीं है। क्वेटा की अगर आप टीम उठा के देखेंगे तो सब इधर एक ही लड़का है बिस्मिल्लाह खान। अच्छा और ज्यादा से ज्यादा आप ये पता नहीं कैसे करें कि जो इन्होंने नाम दिए हुए हैं टीम्स को, अब ये कहीं भी नहीं है, सारी लीग अगर आप देख लें तो वो खिचड़ी बनी रहती है कि कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, और पैसे वगैरह का वो उसको करते रहते हैं, ये वाली बात है। मगर छह हों टीम, मगर दी एचबीएल पीएसएल जो है, ये मैं एचबीएल वालों से भी कहूँगा, पीएसएल वालों से भी कहूँगा, और सारे फ्रेंचाइजीज के अपनी ज़रा पूरी ताकत लगा के पूरी काविशें इस्तेमाल करके उसको पाकिस्तान में करें। सही, ये नहीं कि टुकड़े फाइनल लाहौर में कर देंगे। ये शाकिन जो ये चाहते भी हैं, चिश्ती मुजाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका आज। चाहते तो है ना, देखो आखिरी है कि अब दुबई में जो लोग हैं पाकिस्तानी हैं वो तो देख लेंगे, दे कैन अफोर्ड इट, जो यहाँ का पाकिस्तानी है वो कैसे जाके देखेगा, वो फैन कैसे देखेगा। तो ये वाली बात है, इस बात को सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए कि नेक्स्ट अगर जो इवेंट हो तो अगर हम फाइनल यहाँ कर सकते हैं तो बाकी भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया साहब आपका, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज प्रोग्राम में। और यहाँ पे नाजरीन को मैं ये कहूँगी कि 27 दिन तक आप पीएसएल का मेला जो है वो जो सज रहा है उसका उसको इंजॉय करें पाँच टीमों के साथ। और साथ साथ ये कि चिश्ती मुजाहिद साहब ने जो एक बात कही है उसी से एंड करूँगी कि स्प्रिट होना सबसे पहले ज़रूरी है, बाद में जो है सब कुछ जो आपको जो रिज़ल्ट है वो बेहतर से बेहतर मिलेगा। कोई कोच उस तरह से नहीं कोचिंग कर सकता जितनी आप एक प्लेयर जो है वो अपने स्पिरिट दिखा के जो है गेम बदल सकता है। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।